विरोधी प्रदर्शन, शाह और योगी ने रैली को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना। बलरामपुर में बस पलटने से हादसा, बस में सवार कई यात्री घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में छेड़खानी के विरोध में मारपीट, दबंगों ने भाई बहन को पीटा, वीडियो वायरल। संभल में राशन डीलर की दबंग गई, उपभोक्ताओं से की बदसलूकी, सरकार के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लखनऊ में भाजपा निषाद का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत निषाद पार्टी ने रैली को संबोधित किया। वहीं इस दौरान अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। तो भाजपा निषाद का शक्ति प्रदर्शन आज लखनऊ में देखने के लिए मिला है। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नजर आए, विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। तो इस शक्ति प्रदर्शन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं, समर्थक पहुंचे हैं। और इस दौरान अमित शाह भी कहते हुए नजर आए कि भीड़ से अंदाजा आप लगाइए कि 2022 में किस तरह का एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है, यानी कि जितनी ज्यादा भीड़ रैलियों में होंगी उतनी ज्यादा जो जीतने के चांसेस हैं वो बढ़ते हुए पार्टी के नजर आएंगे। तो भाजपा निषाद का ये शक्ति प्रदर्शन आज देखने के लिए मिला लखनऊ में, जहां बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत निषाद पार्टी के तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि अब प्रदेश का विकास होता है, पहले की सरकार में ऐसा नहीं होता था। अपनी दो दिवसीय यात्रा पर अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे, इस दौरान अखिलेश का उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं रायबरेली में अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान अखिलेश ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो जहां एक तरफ लखनऊ में बीजेपी निषाद का शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में अखिलेश यादव पहुंचे थे और यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एक जनसभा को भी अखिलेश यादव संबोधित करते हुए नजर आए हैं। तो रायबरेली में अपना जनाधार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश यहां पर अखिलेश यादव ने की है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, समर्थक पहुंचे हुए थे और यहां पर अखिलेश यादव एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, इस तरह की नारेबाजी लगातार की जा रही थी। दरअसल इस विजय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं और ये जो मोड है ये शुरू हो चुका है कई दिनों पहले से ही, और अब एक एक करके तमाम विधानसभाओं में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। कानपुर में गोविंद नगर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी गुज्जैनी पहुंचे, जहां वहां पर मौजूदा लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें वहां से वापस कर दिया। खबरों की माने तो ये लोग पार्क में व्यवस्था और सुंदरीकरण ना होने से नाराज थे और इसी वजह से लोगों ने उनका विरोध किया। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी से लोग बेहद नाराज नजर आए हैं। पार्क में खराब व्यवस्था और सुंदरीकरण ना होने से वहां की जनता बेहद नाराज नजर आ रही थी, आक्रोशित नजर आ रही थी और इसी वजह से उन्होंने विधायक को उल्टे पांव लौटा दिया। तो कानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहां पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। दरअसल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विधायक यहां पर पहुंचे थे और लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, ऐसे में लोग नाराज पहले से ही थे और नाराजगी यहां पर लोगों ने जाहिर की। जो वहां पर पार्क है उसका सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा जो सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, जिससे आम जनता बेहद नाराज है और इसी वजह से उन्होंने जमकर नारेबाजी की, विरोध किया और उल्टे पांव यहां पर विधायक को लौटा दिया।
बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। साथ ही सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सरकार की जमकर आलोचना की है। बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आज ही नहीं 2 दिन से सामने आ रही है। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 2 दिन की ये हड़ताल थी। नाराजगी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। उनका कहना है कि सरकार हर सेक्टर में निजीकरण कर रही है और उसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बैंक कर्मचारी भी बेहद नाराज हैं और इसी कड़ी में उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था। 2 दिन से बैंक हड़ताल पर थे, जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही साथ कहा कि बैंक बचाओ देश बचाओ, इस तरह की नारेबाजी लगातार की जा रही थी। उनका कहना है कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा जल्द से जल्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि सरकार ने कहा था कि जो भी बैंक कर्मी है वो हड़ताल पर रहेगा तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी, लेकिन अपनी सैलरी की चिंता ना करते हुए जो बैंक कर्मचारी हैं वो सड़कों पर विरोध करते हुए नजर आए हैं। बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं। सर, प्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी हड़ताल 2 दिन की है, आज 16 दिसंबर और कल 17 दिसंबर को। अधिकारी व अन्य कर्मचारी, बैंकों के सभी लोग इस हड़ताल के लिए आगे आए हुए हैं। पूरा 10 लाख एम्प्लॉई हमारा आज 2 दिन बैंक का हड़ताल कर रहा है। इस बैंकिंग हड़ताल का केवल और केवल एक उद्देश्य है, वो ये कि सरकार ने जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल शीतकालीन सत्र में लिस्टेड किया हुआ है उसका विरोध हम कर रहे हैं, जिससे कि ये बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो है संसद में पास ना हो सके और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना हो सके। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना मात्र केवल अधिकारी कर्मचारी के लिए ही घातक है, साथ ही साथ ये प्राइवेटाइजेशन आम जनता के लिए भी हितकर नहीं है। क्या इसके बाद आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? हम इसके बाद अपना कार्यक्रम, जो हमारा कार्यक्रम है, यहाँ के बाद हम रैलियाँ निकालेंगे। साथ में हम लोगों ने पर्चे भी बनवाए हुए हैं, ठीक है, इन पर्चों को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आम जनता तक। पर्चों के माध्यम से भी अपनी बात को हम पहुँचाएंगे और अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम अन्य कार्यक्रमों के लिए अग्रसर होंगे और हड़ताल सुनिश्चित होगा। भारतीय सेना की गरिमा उनकी वर्दी से होती है। हर देशभक्त हिंदुस्तानी भारतीय सेना की वर्दी के सामने सजदा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात एक आईएएस ऐसा भी है जिसने अपना दबदबा बनाने के लिए भारतीय सेना की वर्दी के सम्मान को भी तार तार कर दिया। कानपुर विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष आईएएस अरविंद सिंह ने चार्ज संभालते ही निर्णय लिया कि कानपुर विकास प्राधिकरण में अब रिटायर्ड आर्मी के जवानों को तैनात किया जाएगा। वहीं इस निर्णय के साथ पूर्व में तैनात होमगार्डों को कानपुर विकास प्राधिकरण से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बता दें कि अरविंद सिंह के आदेश पर 52 रिटायर्ड आर्मी के जवानों को हायर कर लिया गया और ये रिटायर्ड आर्मी के जवान वर्तमान में केडीए भवन, केडीओ उपाध्यक्ष के बंगले सहित उनके निजी सुरक्षा और सेवा में 24 घंटे तैनात हैं। बता दें कि कोई भी रिटायर्ड भारतीय सेना का जवान किसी भी सिविलियन की नौकरी करते समय भारतीय सेना की ऑफिशियल वर्दी का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना की वर्दी का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है कानपुर में। तो कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक आईएएस ने वर्दी का अपमान किया है। दरअसल यहां पर वर्दी की गरिमा पूरी तरह से तार तार हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात एक आईएएस ऐसा है जहां दबदबा उसने बनाया। दबदबा बनाने के लिए भारतीय सेना की वर्दी के सम्मान को उसने तार तार कर दिया। कानपुर विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष आईएएस अरविंद सिंह ने चार्ज संभालते ही निर्णय लिया था कि कानपुर विकास प्राधिकरण में अब रिटायर्ड आर्मी के जवानों को तैनात किया जाएगा, जिसके बाद ऐसा ही हुआ और निर्णय के साथ पूर्व में तैनात होमगार्डों को कानपुर विकास प्राधिकरण से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरविंद सिंह के आदेश पर 52 रिटायर्ड आर्मी के जवानों को हायर किया गया है और रिटायर्ड आर्मी के जवान वर्तमान में केडीए भवन, केडीए उपाध्यक्ष के बंगले सहित उनकी निजी सुरक्षा सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कोई भी रिटायर्ड भारतीय सेना का जवान किसी भी सिविलियन की नौकरी करते समय भारतीय सेना की ऑफिशियल वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। भारतीय सेना की वर्दी का ऐसा इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है।
गोरखपुर के रामपुर कारखाना स्थित ग्राम डुमरिया निवासी राजेंद्र दुबे ने मंडलायुक्त को पत्र सौंपकर उप जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन की मांग की है। मंडलायुक्त को सौंपे पत्र में राजेंद्र दुबे ने कहा कि बनके गांव में लगभग 100 सालों से प्रचलित सार्वजनिक रास्ता है, जिस पर वहीं के वशिष्ठ दुबे और अन्य की ओर से पिलर का निर्माण करा दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने ये पत्र सौंपा है। गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पिलर के निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है और एक पत्र भी सौंपा गया है। दरअसल गोरखपुर का रामपुर है, जहां कारखाना स्थित ग्राम डुमरिया निवासी राजेंद्र दुबे ने मंडलायुक्त को पत्र सौंपकर उप जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन की मांग की है। दरअसल उसका कहना है कि मंडलायुक्त को पत्र जो सौंपा गया है, उसमें राजेंद्र दुबे ने कहा कि बनके गांव में लगभग 100 सालों से प्रचलित सार्वजनिक रास्ता है, लेकिन अब वहीं के वशिष्ठ दुबे और अन्य की ओर से पिलर का निर्माण उस पर करा दिया गया है, जिसके विरोध में उन्होंने ये पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर में परिवहन विभाग में परिचालक पद पर फर्जी भर्ती में नियुक्त के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। वहीं पुलिस ने गिरोह को पकड़कर जेल भेज दिया है। खबरों की माने तो गिरोह के सभी सदस्य परिवहन विभाग में संविदा पर फर्जी नियुक्ति दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करते थे, जहां वो हर व्यक्ति से इस गिरोह के सदस्यों ने 1,50,000 रुपये भी ले रखा था। वहीं गिरोह में पकड़े गए सदस्यों के पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जी नौकरी दिलाने वाले गैंग का यहां पर भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल परिवहन विभाग में फर्जी नौकरी लगवाने को लेकर ये अवैध वसूली किया करते थे और वसूली के नाम पर लोगों से पैसा भी यहां पर लिया करते थे। करीब 1-1.5 लाख रुपये ये लोग यहाँ से लिया करते थे। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कुछ व्यक्तियों से कि रोडवेज बलरामपुर के पास दुकान खोलकर किराए पर मकान लेकर फर्जी रोडवेज परिचालक की संविदा पर नियुक्ति का प्रलोभन दे करके लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। जांच में बात पूरी तरीके से फर्जी पाई गई कि ये परिचालक और ये नियुक्ति और ये कंपनी सभी फर्जी निकली। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1,15,000 रुपये कैश गाड़ी की भी बरामदगी हुई है, जिसको सीज किया गया है। बलरामपुर के तुलसीपुर के पास बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले में यात्रियों ने बताया कि ये बस बढ़नी नेपाल से चलकर पुणे महाराष्ट्र जा रही थी और इसमें 45 लोग सवार थे। वहीं ओवरटेक करते समय यह हादसा हो गया। फिलहाल सभी यात्रियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जौनपुर में छेड़खानी के विरोध करने पर दबंगों ने एक भाई बहन को जमकर पीटा है। वही इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वही ये वीडियो 3 दिन पुराना भी बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज कर 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि जो भाई बहन है वो छेड़खानी का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो भाई ने छेड़खानी का विरोध किया तो आसपास के जो लोग हैं, जो दबंग हैं, वो उसी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं और दबंगों ने भाई बहन को जमकर पीटा है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे के किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव को देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या किसी भारी चीज से कुचल कर की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर देहात का ये पूरा मामला, जहां पर हाईवे पर एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ ये थाना सिकंदराबाद के राजधान चौक के क्षेत्र में ये हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी की सूचना मिली। इस संबंध में जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची है, लगभग 9:30 बजे की सूचना है। इस दौरान यहाँ मौके पर डेड बॉडी बरामद हुई है। उसके सिर में गंभीर चोटें हैं और धारदार हथियार से प्रहार किया गया है, जिसमें सिर में और चेहरे पर
गंभीर चोट है और खून के निशान यहाँ मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में अभी तहकीकात की जा रही है, लेकिन डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाई है। और इस संबंध में हमारी फील्ड यूनिट और क्राइम ब्रांच की टीम और स्थानीय थाना पुलिस सब मौजूद है और इनको जल्दी ही इनकी शिनाख्त और अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में यमुना में तैरता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान जब ग्रामीणों ने शव को नदी में देखा तो फौरन ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा का एक बड़ा मामला जहां पर यमुना में तैरता हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जैसे ही शव को देखा इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को नदी से बाहर निकाला, इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमित जानी ने एक सभा को संबोधित करते हुए अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित जानी समाजवादी पार्टी की पूर्व हुकूमत के ही गलत कामों को गिनाते हुए नजर आए और कहा कि उन गलत कामों का हमेशा वो विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी में जंगली नेताओं को सम्मान नहीं मिलता, बल्कि सम्मान उन नेताओं को मिलता है जो अपने आलाकमान नेताओं की जूते सीधे करते हैं। तो प्रसपा प्रत्याशी ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि सपा के गलत कामों का मैं विरोध करता हूं, पहले भी करता था और अब भी करता रहूंगा। उनका कहना है कि जो सम्मानित नेता है उनको तो सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन जो दूसरे नेताओं की जूती सीधी करते हैं उनको यहां पर सम्मान मिलता है। मेरठ में पुलिस के नाम पर व्यापारियों से हफ्ता वसूली करने वाला फर्जी दारोगा पकड़ा गया। बता दें कि फर्जी दारोगा लिसाड़ी गेट पर दारोगा की वर्दी पहनकर अवैध वसूली करता था। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा है। मेरठ का एक पूरा मामला जहां पर फर्जी दारोगा बनकर लोगों से अवैध वसूली करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि मेरठ में पुलिस के नाम पर व्यापारियों से हफ्ता वसूली किया करता था, जिसके वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ था। ये फर्जी दारोगा लिसाड़ी गेट पर दारोगा की वर्दी पहनकर अवैध वसूली किया करता था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, रंगे हाथों इसे धर दबोचा है। ग्रेटर नोएडा में खेत से वापस अपने घर जा रहे बुजुर्गों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग कुछ समय पहले हुए डबल मर्डर का मुख्य गवाह था। वहीं पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा का एक पूरा मामला जहां पर खेत से अपने घर जा रहे बुजुर्ग की घात लगाए बदमाशों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डबल मर्डर में वो मुख्य गवाह था। पुरानी रंजिश के भी आशंका यहां पर जताई जा रही है, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। संभल में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राशन डीलर राशन देने और रिफाइंड नहीं देने पर उपभोक्ताओं से बदतमीजी कर रहा है। बता दें कि ये डीलर आए दिन उपभोक्ताओं से बदसुलूकी करता है, वहीं सरकार के आदेशों की धज्जियां भी उड़ाता है। संभल की तस्वीरें हैं जहां पर राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। दरअसल राशन डीलर यहां पर कम राशन देता है, रिफाइंड के जो पैकेट्स हैं जो राशन के साथ मिल रहे हैं वो भी नहीं देता, जिससे उपभोक्ता नाराज हैं। उपभोक्ताओं ने राशन डीलर से इस बात की जानकारी जाननी चाहिए तो फिर राशन डीलर ने ग्रामीणों से बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सरकार के आदेश है उनकी भी धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं। गल्ला मेरा इसमें 40 किलो गल्ला देते हैं ये मुझे। यूनिट कितने आपके? 12 हैं। फिर क्या हुआ? तो 40 किलो उन्होंने मुझे गल्ला दिया जी, रिफाइंड और चने भी दिए, जिसमें मैंने कर दी वैसे गल्ला नहीं, वो रिफाइंड वो नहीं चने। और दूसरे वाले कमरे में रखे थे सब कुछ, इनके पास वगैरह पकड़ा मेरा। मारा किसने आपको? डीलर ने।
संभल के चंदौसी में सेवा बहाल की मांग करते हुए संविदा विद्युत कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फुवारा चौक का है, जहां पर विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला कर्मी मंजू अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी गई है। इस वजह से वो परेशान है, लगातार वो न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो संविदा विद्युत कर्मी की सेवा बहाल की मांग को लेकर लगातार वो धरने पर बैठी हुई है, भूख हड़ताल कर रही है। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। उसका कहना है कि उसको बिना बताए उसकी सेवा बहाल कर दी गई और इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। उसका कहना है कि उसकी जो नौकरी है वो पूरी होनी चाहिए, उसे बिना बताए उसको नौकरी से यूँ निकालना बेहद गलत है। और तमाम जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो पेपर्स हैं, वो लेकर वो पुलिसकर्मियों को दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। भूख हड़ताल पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं सन 2018 से बिजली विभाग में काम कर रही थी। सन 2019 में हमारे ऑफिस में नए पुनीत दुबे जी आते हैं, और जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से पता ना उन्हें मेरी जातिगत लेके इतना भेदभाव रखा है उन्होंने कि 2400 घंटे की आप इधर ना बैठो, आप मेरे ऑफिस में मत आओ, आप ये मत करो, आप वो मत छुओ। मैंने उनका अनुसरण करा, इतने पे भी उनका हमारे महोदय जी का मन नहीं भरा तो जगह पे जगह अपने साथ वालों को आँख मारते हुए कि मैडम आपको ये सुनाई दे जाता है, मैडम आप ऐसे ये कैसे कर लेती हो। मैंने फिर भी उसके टालती रही, मैंने चलो अधिकारी से कहने दो, सुनाई वाली बात क्यों कहते हैं वो? है? ये उनसे पूछो ना मेरा, क्योंकि कान से दिव्यांग हूँ ना मैं, इसलिए मेरी दिव्यांगता का उसने मजाक बनाया, मेरी जातिगत को लेकर वो बातें बनाता था। इसके बाद भी जो पहली बार लॉकडाउन लगा था उसने मुझसे साफ अपने जय साहब से कह दिया कि मंजू जब मर जाए सिम बंद कर लेती है, इससे सिम ले लो। मैंने उनसे कहा साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए या आप लिखित में ले लीजिए। उसकी सारी बातें फेल हो गई, तो वो उस समय तो चुप लगा गया। फिर उसकी दूसरी बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, तो SDO ऑफिस में झगड़ा भी हुआ था, आर्मी बीच में पड़े थे, समझौता करवाया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने सुखदेव आश्रम में जाकर महान संत स्वामी कल्याण देव जी महाराज की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सुखदेव आश्रम के अधिष्ठा स्वामी उमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश ऋषि और किसान का है और दोनों का सम्मान बेहद जरूरी है। तो तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचे राकेश टिकैत, स्वामी कल्याण देव की समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो देश है वो ऋषि और किसानों का है, दोनों का सम्मान होना बेहद जरूरी है। अगर दोनों का सम्मान होगा तो देश प्रगति करेगा, अगर दोनों का सम्मान नहीं होता तो फिर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, स्वामी कल्याण देव की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए यहां पर राकेश टिकैत नजर आए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद राकेश टिकैत लगातार तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं और उसी कड़ी में वो शुकतीर्थ पहुंचे, जहां पर सुखदेव महाराज के दर्शन उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ स्वामी कल्याण देव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की, हवन पूजन किया है और यहाँ पर मीडिया के सामने भी बातचीत करते हुए नजर आए। नहीं नहीं, ये मसला ना किसी की हार का है ना किसी की जीत का है, समस्या का समझौते के आधार पर समाधान हुआ। एक शब्द आया आंदोलन जीवी, अरे उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा, बहुत चीज कही उन्होंने, कह लेने दो। इतना तकरार होता है, इतने आदमी नए नए शब्द जाता है निकाल के। किसानों के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं देश में हैं, आप उनके लिए भी कुछ करेंगे? भाई जो उठेगा उसके साथ में रहेंगे, उठना चाहिए सबको, जनता को उठना चाहिए। सरकार और प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा है आपको? उन्होंने पंचायत से समझौता करा है और समझौता देखो कितना होता है। अभी तो कमेटी बनाने की बात करी है और जो और मामले थे उन्होंने कहा है कि हम करेंगे उसको। अखिलेश जी ने आपको ऑफर दिया है, अगर चाहें तो आप चुनाव लड़ सकते हैं? चलो धन्यवाद है उनका, उन्होंने कहा तो धन्यवाद है सबको, हम चुनाव में नहीं जा रहे हैं। मोहना चीनी मिल के विस्तारीकरण की कल घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, लगता है हो जाएगा? अब होना चाहिए क्योंकि बहुत पुरानी डिमांड ये है
और इस खादर क्षेत्र का बहुत गन्ना सस्ते में बिकता है। विस्तारीकरण होना चाहिए था अब से पहले, अभी भी घोषणा करी है उसका फंड आ गया हो, फंड जारी निकला, हाँ घोषणा करी है फंड जारी हो जाए और यहीं के सीजन के बाद मौसम शुरू हो जाए काम। भुगतान नहीं हो पा रहा है अभी पूरी तरह से? भुगतान में दिक्कत है, पूरे प्रदेश में भुगतान में दिक्कत है और पिछले साल का बहुत भुगतान अभी रह रहा है। अगला आंदोलन कब होगा किसान यूनियन का? ये लोग अब तो ट्रेनिंग होगी सबकी, देश में किसान मजदूर आदिवासी नौजवान की सबकी ट्रेनिंग होगी, जब जरूरत होगा हो जाएगा। अब तो ट्रेनिंग शुदा लोग हो गए, करोड़ों लोग ने फिजिकल रूप से वहां जाकर ट्रेनिंग करी, वहां सबकी ट्रेनिंग हुई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।